अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं अपने सुबह के नाश्ते से। आज मैंने नाश्ते में बनाई है चाय और छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बनाए हैं मैंने आलू टडे। इसके साथ ही मैंने आलू में मिक्स कर दिए हैं बहुत अच्छे अच्छे से मसाले, पिसा हुआ गर्म मसाला और पिसी हुई काली मिर्च, साथ में नमक और ये एक मेरे पास स्पेशल मसाला है मसाका के नाम से। अगर आप ये इसमें ऐड कर देते हैं तो बहुत ही डिलीशियस मज़ा आएगा, बहुत अच्छा सा जायका आएगा। का लंच बनाने लगी हूँ, साथ ही मैंने कहा मुस्तफ़ा को और काशिफ को ये सुबह के नाश्ते में भी दिए हैं, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी रेसिपी। और तो जनाब मेरे पुत्र काशिफ की फरमाइश पे आज मैं बनाने लगी हूँ आलू की टिक्कियाँ। आलू बॉईल करके मैंने अच्छे से छील लिया आपके सामने और आप लोग देखते जाएँ मैं इसका क्या कचूमत बनाती हूँ। जितने सारे भी आलू हैं सबको छील कर मैंने अच्छे से एक बाउल में डाल दिया। अब मैंने एक ले लिया है फेंटा और मैं अच्छे से इन तमाम आलुओं की लगाने लगी हूँ फेंटी। इनको ऐसे फेंटना, इतनी फेंट लगानी कि इनका भुरता बन जाए। तो जी इतनी फेंटी आज के लिए काफ़ी है। मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी, चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर, पिसा हुआ गरम मसाला, सॉल्ट और एक ये मसाका जो मेरा स्पेशल मसाला है वो मैं मोस्टली रेसिपीज़ में ज़रूर ऐड करती हूँ, उसे बहुत अच्छा सा जायका आ जाता है। तो मैंने बनाने लगी उन सबकी टिक्कियाँ, साथ में मैंने थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स शिकस करने के बाद मैंने इनकी टिक्कियाँ बना ली और एक साइड पर रख दिया। चार हरी मिर्चें, कुछ लहसुन और साथ में पुदीना और ज़ीरा और थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से मैंने मिक्स करके मैंने इसकी बना ली है चटनी। चटनी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसके साथ ही मैं इसमें एक प्याली दही ऐड कर दूँगी। तो भाई साहब ये अब मैं मशीन चलाने लगी हूँ धड़ाधड़। इसके बाद हमारा बिल्कुल अच्छा सा बहुत ही डिलीशियस सा रायता तैयार हो चुका है। जिसने खाया है बस उसे ही पता होगा इतनी महंगाई हो गई थी कि थोड़ी सी भी दही मंगाई है तो एक पाव की जगह आधा पाव दही लगने लगी थी। साथ ही मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था तो बहुत अच्छी सी और ज़्यादा सारा रायता बन गया था ताकि पूरे घर वाले खा लें। तो जी ये था आज का छोटा सा रैंडम ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।